हाय, आई एम डॉक्टर वहीद खान। मैं ब्रह्मानंद एनएच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। एंड आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा किडनी डिजीज़ेस के बारे में। किडनी डिजीज़ एक्चुअली जो होते हैं वो ब्रॉडली तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं किडनी डिजीज़ जो कि AKI कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। ये किडनी बीमारी कुछ दिनों के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, हो सकता है डायलिसिस के बीच में ज़रूरत आए, लेकिन उसके बाद इसमें पूरी रिकवरी हो जाती है, आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं आती है, पेशेंट को आगे किडनी की बीमारी नहीं होती है। दूसरी क्लास होती है जो CKD कहते हैं, जो ज़्यादा कॉमन है, वो जनरली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह पेशेंट को होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपका किडनी ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते परमानेंट डैमेज होती हैं, ये इरिवर्सिबल डैमेज होती हैं, इसमें पूरी रिकवरी नहीं होती है। और विद द टाइम ओवर द ईयर्स, कई साल जा करके कुछ डिकेड के बाद अल्टीमेटली डायलिसिस या फाइनली ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ कॉल्ड CKD। ये दूसरे तरह की डिजीज़ होती हैं। एंड थर्ड होती हैं जो एक्यूट ऑन CKD कहलाती हैं, मतलब आपको एक किडनी डिजीज़ थी बेसलाइन, फिर भी ज़रा से किडनी में कमज़ोरी था उसके वजह से, पर ठीक ठाक सालों से चल रहा था, बीच में कुछ नई बीमारी आ जाती है, कोई पेन किलर खा लेता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, सडनली किडनी पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्यूट ऑन CKD। इसमें भी जो फैक्टर होता है जिसके वजह से सडनली किडनी ख़राब हुई है, उसको जब ट्रीट किया जाता है तो फिर पेशेंट का किडनी कुछ रिकवर करता है, कभी कभी पार्शियली रिकवर करता है, कभी पूरा रिकवर कर करके ओल्ड स्टेटस जो था उस पर आ जाता है, तो फिर पेशेंट का वही स्टेबल स्टेटस में किडनी चलता रहता है। थैंक यू।